और सबसे ज़्यादा मेरे पास कॉल आपके पिछले प्रोग्राम जो हनुमान जी के ऊपर हमने बताया था, लगातार कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास और रोज व्हाट्सएप पूरा भरा पड़ा रहता है। और आप भी जानते हैं कि मनुष्य की शारीरिक क्षमता एक होती है, कोई पटना से फ़ोन कर रहा है, कोई गुजरात से कर रहा है, कोई मद्रास से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। आज एक बुजुर्ग आदमी ने बोला कि बेटा मेरा एक कोई पैसा लेके भाग गया है और उसका कोई भी ट्रेस नहीं हो रहा है कि वो कहाँ पे है। और आपका प्रोग्राम मैंने टीवी पे देखा था, उसमें बोला था कि जो आदमी पैसा ले गया उसका नाम और वो अमाउंट लाल पेन से मंगलवार के दिन रख के शहद के शीशी में बंद कर दीजिए और हनुमान जी के चरणों पे घर में रख दीजिए और जब भी नहा के पूजा करें तो भगवान श्री राम का नाम ले और हनुमान जी को ध्यान दिला दीजिए कि हे प्रभु आपकी शरण में हमने कुछ अपनी प्रार्थना की है तो आपका काम पूरा होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अजमाई हुई बातें हैं, बहुत इस पे चमत्कार देखने को मिले हैं। अच्छा, एक किसी का बच्चे की डेथ हो गई थी और वो बहुत ही अपसेट पूरी फैमिली हो गई थी और बच्चे की माँ जो है वो शोकाकुल होके, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन में जाना, और डिप्रेशन में थी, डॉक्टर भी परेशान हो गए थे। तो मैं चूंकि वास्तुशास्त्री हूँ, अब तो बहुत कम जाना होता है चूंकि मेरे को फुर्सत नहीं मिल रही है, तो उन दिनों क्या हुआ कि मैंने उनको बोला, उनके हस्बैंड को, कोई बात नहीं अब जो हो गया उसको तो मैं लौटा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप एक काम करो, इमीडिएट अशोक का पौधा घर के बाहर लगा दीजिए या किसी गमले में लगा दीजिए, उनका शोक शब्द जो है ना, अशोक, अजोड़ शोक, तो उनकी शोक संतप्त की जो स्थिति है उसमें कमी आनी शुरू हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत चमत्कार हुआ। वो औरत धीरे धीरे, डॉक्टर जिसको परेशान हो गए थे वो चीज़ चमत्कारी रूप से ठीक होना शुरू हो गया था, वो लेडी ठीक हो गई। अब भगवान राम की कृपा देखिए, नेक्स्ट ईयर फिर उसको बच्चा हो गया। देने वाले तो ऊपर वाले हैं। ऐसे ही एक लड़की की मंगली दोष के कारण उसकी शादी ही नहीं हो रही थी। कोई पंडित बता दिया कि 28 साल के बाद होती है, तो 32 साल की हो गई थी। अच्छा, कोई कुछ बोल रहा था, कोई हल्दी का पाउडर डाल के बृहस्पतिवार को नहलाते थे, कई कुछ बोलते थे, बोले कि घोर मंगली है, कोई बोलता कि ये अष्टम भाव मंगली है, कोई कुछ बोलते थे, मैंने जितनी मुँह उतनी बातें चल रही थी। मैंने उनको हनुमान जी के एक दो छोटे मोटे उपाय बताए। मैंने उस लड़की को ये बोला था कि बेटा एक काम करना, मंगलवार के दिन लाल पेन लेके, चूंकि हनुमान जी को लाल बहुत पसंद है, हम मंगलवार के ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना, ऊपर लिखना जय श्री राम, फिर लिखना जय श्री सीताराम, लिखना हे हनुमान जी ऐसी कृपा कर दें कि मेरी इस वर्ष यथाशीघ्र मेरी विवाह हो जाए, मेरे पर चाहे कोई भी मंगली दोष हो, चूंकि मंगल ग्रह के भी स्वामी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप ही हो, हमारी कृपा करें, हमारे बाद की कई कन्याओं के विवाह हो गया है, अब हमें लज्जा आती है और हमारा लज्जा का हरण करना आपका कर्तव्य है और मैं भगवान राम की अनंत भक्त हूँ। उस लड़की ने एक मंगलवार किया और उसको शहद के शीशी में, जैसे मैंने बताया था कि वो लिख के उसके अंदर दबा के हनुमान जी के चरणों पे रख दिया, उसने रख दिया। 3 महीने के अंदर ही रिश्ते में से रिश्ते निकल के उसकी बहुत बढ़िया शादी हो गई और काफी खुश है लोग। ना तो ये लाल किताब का टोटका था, लेकिन मैंने उनको ये टोटके बताए, टोटका नहीं बोलेंगे इसको, टिप्स बोलेंगे, नुस्खा बोलेंगे, और ये कामयाब हुआ जी, जी और वो लोग सुखी रह गए। एक श्रीमान जी थे, तो ये वैशाली की ही घटना है। अच्छा, मतलब वैशाली गाजियाबाद, गाजियाबाद वैशाली की घटना है। सीधे साधे आदमी हैं लोग, अब कभी कभी गलती तो कोई भी कर जाता है, तो उन्होंने खिड़की खोल के और 2 जम्फर डाल दिए जी बिजली के उसके ऊपर, और रात को उन्होंने टंकी अपना भर रहे थे, मतलब जो बिजली का तार है उस पर वो चोरी कर रहे थे। हाँ, चोरी कर रहे थे।
जय भी रहा वो तो बाई देव विजिलेंस का छापा पड़ गया। अच्छा, ओ, और रेड हैंडेड वो लोग पकड़े गए और बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। आज जिंदगी में मेरे ख्याल से वो पहली बार ही गलती किए थे और पकड़े ही गए। अब उनकी वाइफ रोते गाते पहुंच गई, गुरुजी कोई उपाय बताइए, जेल तो इनको जाना ही है। हम कहने हैं कहाँ आ, तो उनको विजिलेंस वाले उठा के गाड़ी में डाल कर ले गए हैं और कहीं रखे हुए हैं। हमने कहा ठीक है। हमने उनको बोला कि एक किसी पंडित जी को लगा दो, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ दें। हनुमान जी का आशीर्वाद है कि जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके ऊपर बंधन नहीं लगती है। बस ये ध्यान रखना है कि 101 न हो, 199 न हो, 99 न हो, तो और 108 न हो, 100 ही हो। हाँ, 100 ही हो। तो उन्होंने एक काम ये किए, एक दो छोटे मोटे और भी उपाय बताए कि हमने एक पीपल के पत्ता ले लो, 11 पत्ते ले लो, उसके ऊपर जय श्री राम जय श्री राम लिख के कलावा बांध के एक माला बना लो और घर के हनुमान जी के गले में डाल दो कि हमारी इज्जत पर संकट आ गई है, हमारी इज्जत की रक्षा करें, हमारी जान बचाएं, हमें को कैद से बचा लें। बाद में कोई सीनियर अधिकारी बिजली विभाग का आया, जहाँ पर उनको बंद करके रखे थे लोग, उसने बुला के पूछताछ करी, बोले कि शर्म नहीं लगती, इतनी अधिक एज हो गया और आप एक काम करते हो, और उसके ऊपर उन्होंने 13,000 रुपये का समथिंग का एक जुर्माना लगा के वही भगा दिया, छोड़ दिया। जेल जाने की जो नौबत जो आ गई थी, अब बाकी जो लोग थे उनके साथ जो उस मोहल्ले में लोग कटिया डालते थे, कटिया बोलते हैं, टोका फसाना भी करते हैं, लोग फसाते हैं, पहले बिजली की चोरी होती थी, तो उनका क्या हुआ कि वो लोग जेल चले गए, ये बेचारा बच के चला आया। तो ऐसे भी मैंने हनुमान जी के चमत्कार देखे। ऐसे ही हुआ कि एक कोई मेरे परिचित थे, परिचित क्या ज्योतिष से रिलेशन में ही जान पहचान थी, उनको एम्प्लायर ने बुला के बोला कि भैया इस ये महीना तुम्हारा लास्ट है और अपनी व्यवस्था कर लेना, 1 तारीख से आपको आने की जरूरत नहीं है, आपकी नौकरी समाप्त की जाती है। और उनकी घर की कुछ माली स्थिति ऐसी थी या उम्र के इस पड़ाव पे फंस गए थे कि उनको सेकंड नौकरी मिलती नहीं। अब जैसे मैं हूँ, मैं कहीं अब नौकरी में जाऊँ तो नौकरी की जिस पड़ाव पे हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मेरे को तुरंत नौकरी मिल जाए, बहुत कठिन टफ चीज़ें हैं। अब घर की स्थिति थी ऐसी थी कि अगर 1 महीना भी वो घर पे बैठ जाए तो भूखमरी के कगार पे आ जाना था। अब 2 लेवल होता है, इनका लेवल कुछ ऐसा था कि प्रतिष्ठा ये लोग किसी से मांग भी नहीं सकते थे। बाकी मान लो खूब छोटे लेवल के लोग हों तो घंटा घर पे बैठ जाएंगे, चोपले पे बैठ जाएंगे, किसी के आगे चाहे मजदूरी कर लेंगे। अब कल तक जो आलीशान स्थिति में रहा वो इसके साथ ऐसी ट्रेजडी हो जाए तो सिवाय सुसाइडियल टेंडेंसी को उनके मन में कोई और बात नहीं आती है, ये बात उन्होंने मेरे को बताई। तो मैंने उनको 2-4 हनुमान जी के उपाय बताए और मैंने बताया कि सीधे जाइए, दोनों हाथ पीछे कीजिए, दोनों हाथ पीछे कीजिए। अच्छा। हनुमान जी के चबूतरे पर, हनुमान जी कम से कम 10 साल पुराने हों, अच्छा 10 साल पुराना मंदिर हो, उसकी स्थापना हुए और दोनों हाथ अपना नाक पूरा रगड़िए और नाक के धूल से ही अगर संभव हो तो उनके चरण साफ कर दीजिए। लाल तो हो जाएगी नाक लेकिन आप कोशिश कीजिए। उन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट डे वही फैक्ट्री मालिक उसको बुलाया, बोला कि यार कल मैं गुस्से में था, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपना सर्विस कंटिन्यू रखना और ये सब होती रहती है, हम कोई गुस्सा हो गया, हमारे को पता है कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, ये भी शब्द बोला। अच्छा, जबकि हनुमान जी को कोई भक्त नहीं थे ना उन्हें, मतलब ऐसे प्रचारित तो नहीं था कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, कोई जानता भी नहीं था, कुछ नहीं था। और उस आदमी की रोजी रोजगार हो गई। आप भी जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं सो भाई के कारक ग्रह, मंगल ग्रह जो है भाई का कारक है, साहस का कारक ग्रह है,
जितने भी सैन्य अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं आपने देखा होगा उनकी कुंडली उठा के उनके दशम भाव में या लाभ घर में या लगन घर में मंगल बलिष्ठ होता है तभी वो सेना में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं। अब मंगल दो तरीके होता है, देखिए एक मैंने बताया था कि एक मंगल नेक और एक मंगल बदी। अच्छा, जिनका बदी हो गया वो तो लुटेरा बनता है, डकैत बनता है और फोर्सफुली छीन झप छिना झपटी मतलब करने वाला लूटपाट में लग जाता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। हथियार वो भी रखता है। अच्छा, हथियार वो भी रखता है। हाँ जी हाँ जी। साहस रहता है लेकिन वो नेगेटिव में चला गया। और जिनका मंगल नेक है वो सही काम है, हथियार उनके पास भी रहेगा वो, लेकिन देश की सेवा करेगा। सैन्य अधिकारी बन गए, पुलिस में अधिकारी बन गए, तो जितने भी IPS वगैरह देखने को मिलते हैं या जो भी दरोगा जी मिल गए, SHO साहब मिल गए, उनकी कुंडली देखिए, हमारे पास तो आते ही है मंगल का, उनका मंगल ही प्रबल होता है और जिसको आप नेकी कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। मंगल एक चीज और करता है, मंगल अगर ठीक ठाक भी रहे तो दशम भाव को देखे तो कई बार ये प्रॉपर्टी डीलर भी बनाता है। भवन भूमि वाहन का भी स्थायी कारक है मंगल। कहते हैं ना भूमि सुतो, आपने सुना होगा मंगल को भूमि सूती वो भी बोलते हैं। तो मुंगा इसका काफी पॉपुलर रतन है, पहनाते हैं। हाँ, देसी मुंगा हो, इटालियन मुंगा हो, लोग पहनते हैं। तो मंगल में बहुत ताकत है, इसका टोटल स्वामी हनुमान जी हैं। हाँ। और हनुमान जी की मैं सबसे बड़ी, अब एक केस और मैं बताऊं, ये दिल्ली का केस है शास्त्री नगर में। तो एक लड़की को गलतफहमी थी या क्या सच्चाई थी आई कांड से कि इसके ऊपर भूत विहार है जी। अच्छा। और वो खेलती थी, अजीब तरह की एक्टिविटी करती थी, ये है वो है, ये बहुत दिन से चलता रहा। किसी के थ्रू बातें आई, कुछ लोग आके मिले, उनके रिलेटिव, फिर मैंने कहा कि उस लड़की से मेरे को मिलवाओ। तो लोग आए मिले, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा जिस पांव के पे, जिस बिस्तर पे सोती है उसके नीचे की धूल हटा दीजिए, वहाँ कपूर की टिक्की चारों जगह दबा दीजिए। अच्छा, मतलब चारों जो उसका पांव है बिस्तर का। हाँ, वहाँ निगेटिव ऊर्जा को ऑब्जर्व करें, फिटकिरी, और चारों तरफ से गद्दे के नीचे आप फिटकिरी दबा दीजिए। एक तरफ कपूर दबाया नीचे और ऊपर फिटकिरी दबा दीजिए। और इसके जो दरवाजा है जिस बेडरूम में सोती है उसके बाहर से मंगलवार या सैटरडे के दिन आप वो ले लीजिए और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर, उससे ओम बना दीजिए और नीचे लिख दे जय श्री राम। उन्होंने ऐसा किया। अब मेन दरवाजे के बाहर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए। अच्छा, उन्होंने किया, क्या चमत्कार हुआ, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा, एकदम ठीक ठाक हो गई, उसका डर भय समाप्त हो गया। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत डर जाते हैं, भयभीत रहते हैं, कई बच्चे सोते सोते भी चिल्ला बैठते हैं। आमतौर पर लोग उपाय बताते हैं, टाइगर स्टोन भी पहना दिया जाता है, चाहे डरपोक जो लोग ज्यादा होते हैं उनका मंगल बढ़ाया जाता है या टाइगर स्टोन डाल देते हैं। तो हनुमान जी में ये ताकत है, आज भी कलयुग में ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली देवता है और चमत्कारी देवता है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और चमत्कारी देवता है। और हनुमान जी की के तरफ आस्था रखनी है। जो लोग मंगलवार को नॉनवेज खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं, आप पूरी उनकी लाइफ की हिस्ट्री देखते जाइएगा और लास्ट की रिजल्ट देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या भयानक दंड मिलता है। क्या भयानक दंड मिलता है। और हनुमान जी जीवंत हैं, उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है, वो कलयुग में धरती पर विराजमान है। अच्छा आचार्य जी, मैं चूंकि आपने जिक्र किया तो संक्षेप में थोड़ा हम दो सवाल ले लेते हैं, जो कि आमतौर पे एक भक्त हैं
जो कि बराबर कमेंट करते हैं, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट हैं, वो हमेशा कमेंट्स लिखते हैं। अंगराज कर्ण नाम से कुछ कमेंट आता है, हो सकता है कुछ और उनका नाम हो। वो लिखते हैं कि आपने बताया था कि नौकरी पाने का उपाय, जैसे गुरुगृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ये भी हमने किया, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोस्ट गार्ड का उन्होंने एग्जाम दिया था, कम नंबर से अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, कुछ उपाय जरा बता दीजिए कि जिनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, एक बार फिर से वो कौन सा उपाय करें। देखिए, ज़्यादा तो हम लोग ये बताते हैं, अगर मंत्र जाप करनी है तो एक मंत्र आती है, रामायण में ही है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरता सोई। बुधवार के दिन उस आदमी को सीताफल बोलते हैं, कोहड़ा को बोलते हैं, कदीमा भी बोलते हैं कई लोग, सीताफल। अब हर जगह की भाषा अलग अलग है, एक लेके और गणेश जी के मंदिर में ले जाकर दे दें सीताफल को, सीताफल को दे दें। सीताफल कच्चा हो पक्का हो इससे मतलब नहीं है, आप ले जाकर वहाँ रखाइए और हनुमान जी की आराधना कीजिए और हनुमान जी से यही मांगिए कि मुझे रोजी रोजगार दे दो। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी से कोई भी काम करनी है तो भगवान श्री राम का नाम लेके करिएगा। जहाँ भगवान राम है, भगवान राम की कृपा है, वहीं पर हनुमान जी की कृपा बरसती है। तो उनको ये बोलिए कि अगर उनको ये रोजी रोजगार का मामला है, सुंदरकांड पढ़ने से भी रोजी रोजगार आती है, ये बातें क्लियर कट है। मंगलवार के दिन शना और गुड़ बांटने से भी, खासकर बंदरों को खिलाने से भी रोजगार की प्राप्ति होती है, ऐसा भी है। तो उस दिन ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अभी एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकगण को, किसी का बच्चा घर से भाग गया था, कम उम्र का बच्चा भकावे में भाग गया, कोई ट्रेस ही नहीं मिल रही थी उसका, बहुत बहुत मौलवी के मौलाना के पास वो लोग गए, फकीरों के पास गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह माथा टेका उन्होंने, मामला आया मेरे पास भी, तो हमने उनको एक छोटा सा उपाय बनाया कि एक लाल पेन से उस बच्चे का नाम लिखिए। अच्छा, पहले ऊपर ओम बनाइए, जय श्री राम लिखिए, नीचे हे हनुमान जी मेरे पुत्र को सुरक्षित रूप से यथाशीघ्र हमें पहुंचा दें, आपकी अति कृपा होगी। फिर नीचे जय श्री राम, लाल उस कागज को लपेट के लाल कलावा में एक ऐसे सुतली सी बना लीजिए और अशोक के पेड़ पर मंगलवार के दिन में टांग दीजिए। अच्छा, ताकि किसी और डाली से वो टकराए नहीं। हवा जैसे जैसे बहेगी तो डोरी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी, हिलती डुलती पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, वहां उस बच्चे का मन डोलना शुरू हो जाएगा। जहां भी है वो कहीं से फोन कर देगा, कांटेक्ट कर देगा या रिटर्न बैक टू होम। ये बहुत कारगर उपाय है और एक नहीं 10 बार मैंने किए हैं, लोगों के गुमशुदा वाले लोग जो आते हैं उनके केस में भी किया है। कई बार गुमशुदा के लोगों के लिए क्या होता है कि हम लोग ये बताते हैं उनका कोई पुराना कपड़ा ले लो, हनुमान जी की तस्वीर के नीचे दबा दो। अच्छा, आमतौर पर लोग ना सिलबट्टा जो होती है जिसमें मसाले पीसे जाते थे, भारी चीज पत्थर के नीचे दबाए जाते हैं, वही हनुमान जी के चरणों के नीचे, हनुमान जी से भारी, हनुमान जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं, आप दबा दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। सीता जी का जब पता नहीं लग रहा था तो हनुमान जी ही पता लगाए थे। विदेश जाना है, हनुमान जी का ही उपाय किया जाता है, हाथ में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगा दी जाती है बेडरूम में चाहे ऐसे जगह पे, कि उस आदमी को उठते जगते सोते सबसे पहले हनुमान जी दिखे, उसका काम पूरा हो जाता है। नौकरी नहीं मिलती है तब भी हम लोग ये बोलते हैं कि हाथ में पहाड़ लिए उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर की आराधना करो, ऐसा बताई जाती है। तो ये सब चीजें काफी कारगर है। हनुमान जी में आज भी वो चमत्कारी शक्ति है कि देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिसको नास्तिक बोलते हैं, जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, मानते ही नहीं है कि, लेकिन उनके सामने मैंने कई ऐसे प्रयोग किए कि वो आश्चर्य में पड़ गए और उनको फायदा हुआ जी जी। और वो मानना शुरू किए, बोले कि हाँ जी हनुमान जी में तो है शक्ति, हनुमान जी में बाकी शक्ति है। आपके घर में वास्तु दोष हो जाती है, सीढ़ी बन गई नॉर्थ ईस्ट में, या 50 बोलते हैं कि साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए तो इधर ये हो गया,
आप उठिए, एक हनुमान जी की ऐसी हाथ में पहाड़ लिए, तस्वीर उठाइए, साउथ वेस्ट में डाल दिए। साउथ वेस्ट को हिंदी में नैऋत्य कोण बोलते हैं। आप नैऋत्य कोण में इस तरीके से दक्षिण पश्चिम कोने पे, हाँ दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, कोना है वहाँ, उस कोने पर इस तरह से स्टेब्लिश कर दीजिए कि वहाँ आसपास टॉयलेट ना हो, चाहे टॉयलेट का कुछ हो ना हो, और हनुमान जी आपके घर की तरफ देखें। आप क्या मजाल है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष रह जाए, आप देख लीजिए ना। या किसी को मकान नहीं मिला, खरीदने जा रहा है, अच्छा प्लॉट इस तरह से नहीं मिला, दक्षिण मुखी मकान मिल गया, अब कोई जुगाड़ ही नहीं है दूसरा, अब सारा वास्तु तो घर का बिगड़ गया, कुछ नहीं भाई, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए प्रवेश द्वार पे, आधी समस्या वहीं खत्म हो गई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई ऐसा मकान है या प्लॉट है वो बिक ही नहीं रहा है, अब बिकना भी जरूरी है, आप परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं, मंगलवार के दिन मारुति यंत्र लाइए। मारुति यंत्र यार दो तरह की होती है, एक तो होती हैं जिनकी गाड़ी बार बार एक्सीडेंट होती है, तो उसको बोलते हैं वाहन दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र, और एक सिंपल मारुति यंत्र होती है, ट्रेंगल शेप में होती है, उसको लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कराइए, मंगलवार के दिन ही कराइए, जिस जमीन में, जिस जमीन या भवन को बेचना है उसमें दबा दीजिए मंगलवार के दिन ही, और वहाँ गंगा जल छिड़क के धूप वगैरह दिखा के प्रार्थना कर लीजिए, बहुत जल्दी आपका अच्छा रेट देके उसका हो जाएगा। आचार्य जी ने तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी, लेकिन जिज्ञासाएं तो अभी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन चूंकि कार्यक्रम का जो समय है वो काफ़ी बड़ा लंबा खींचता जा रहा है, इसलिए अगले कार्यक्रम में हम आचार्य जी के जो अन्य अनुभव हैं उसके बारे में हम आपसे साझा करेंगे, और निश्चित तौर पर आप जहाँ हनुमान जी को ढूंढेंगे वहाँ हनुमान जी मिल जाएंगे। आस्था, निष्ठा और अटूट विश्वास रखें, और निश्चित तौर पे हनुमान जी आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आशा नहीं विश्वास कर रहा हूँ कि भगवान राम जी की कृपा रहे, और आप जहाँ हैं हनुमान जी भी वहीं हैं। जी हाँ जी हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय श्री राम।